नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दुगाला अकेडमी पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है पॉलीनोमियल्स के बारे में। तो खूब मजा आया, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मजा आया होगा। अब जो क्वेश्चन 2 है वो इससे भी आसान है, मतलब अब मैं ये करवाऊंगा, समझाऊंगा तो आपको ये सारी ये क्या मतलब ये कोई समझाने वाली बात है, ये तो मतलब फन है, मजा है। तो क्विकली कर देते हैं जी, क्वेश्चन क्या है 2। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टिवली। बेसिकली इस क्वेश्चन में उल्टा कर दिया, क्वेश्चन 1 का बिल्कुल अपोजिट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इक्वेशन दे रखी थी और हमने जो उसके जीरोज निकाले थे, अब क्या किया उसने, जीरोज दे रखे हैं और इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनानी बड़ी आसान है, एक बड़ी सिंपल फॉर्मूला है, तो जल्दी से इनकी इक्वेशन बना देते हैं जी। ठीक है, तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, आप वो समझ लीजिए और फिर हम उस हिसाब से हम इसकी बाकी इक्वेशन को बना लेंगे। तो जो फॉर्मूला है जी वो ये होता है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। फॉर्मूला ये है, एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस जी खत्म। ये छोटी सी क्वेश्चन है, इससे वो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। ये लो ये क्वेश्चन, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर पॉलीनोमियल की, माइनस एक्स के साथ जो लगता है वो सम ऑफ रूट्स होता है जी, और प्लस जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। अब हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखे हैं क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में फिट कर देने, एक मिनट भी नहीं लगेगा। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख दूँ, 1/4 और माइनस 1, मतलब ये सम है और ये प्रोडक्ट है, इसे क्वेश्चन में फिट कर देते हैं जी। ठीक है, तो जल्दी से इसको फिट करते हैं, ऐसे ही बाकी दे रखे हैं बस, बाकी फटाफट हो ही जाएंगे। तो इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, सम कितना दिया जी 1/4, तो 1/4 एक्स आ गया, प्रोडक्ट कितना दिया जी माइनस 1 दिया, तो माइनस 1 आ गया, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी कि फर्स्ट स्टेप में ये बन गया जी -1/4 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 एलसीएम आ गया, तो ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, ठीक है जी, और माइनस ऑफ यहाँ पे आएगा 4 इक्वल टू 0। तो अब जो आपका आंसर आएगा जी पहली क्वेश्चन का निकल के, वो आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये वाला जगह जाके 0 हो गया जी, तो ये आपका आंसर आ गया, एंड हो गया ना सॉल्व एक मिनट में मज़ेदार तरीके से। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है जी हमें पार्ट 2 में, देखिए पार्ट 2 में अंडर रूट 2 और 1/3 दे रखा है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो इस केस में हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है जी, जो सम ऑफ रूट है वो हमें दे रखा है अंडर रूट 2 और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो हमें दे रखा है 1/3। ठीक है जी, इक्वेशन ये रही हमारे सामने, सेम इसी इक्वेशन में पुट कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एस प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है जी। ठीक है, और इसमें वैल्यू भर दीजिए आप आसानी से, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस एस कितना है जी अंडर रूट 2x हो गया, प्रोडक्ट कितना है 1/3 है, इक्वल टू 0 हो गया। 3 को एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये अगेन वहाँ जाके 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया जी। सेकंड क्वेश्चन चेक करें, बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये सेकंड क्वेश्चन बना दीजिए हमें। इसी प्रकार बाकी की बना देते हैं जी, जो थर्ड वाला हमें दे रखा है वो है 0 एंड अंडर रूट 5। ठीक है, 0 दे रखा है और अंडर रूट 5 दे रखा है, ये दो चीज़ें दे रखी है हमें। अगेन सेम वही क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एस प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर ये सम ऑफ रूट है जी, माइनस एक्स इंटू 0 हो गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अंडर रूट 5 दे दिया इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये तो 0 ही बन गया सारा, तो बन गया जी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वेश्चन बन गया जी। बड़ा ही आसान था, बड़ा ही सिंपल था, कुछ था ही नहीं इसमें, मतलब सॉल्व करने लायक ज़्यादा था नहीं, बड़ा सिंपल था जी। ठीक है, क्लियर आए हो, नंबर जो 4 है उसमें क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में जी वैल्यू दे रखी है 1/1। अगेन सेम वही फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये होता है जी सम ऑफ रूट दे रखा है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास जी, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रह गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया जी इसका, सिंपल, बड़ी नाइस और सिंपल था जी। चलो दो क्वेश्चन आगे छोटे छोटे वो भी कर देते हैं, 5/6 पार्ट। 5 में क्या है जी, 5 में हमें दे रखा है -1/4 और 1/4, ये दे रखे हैं जी। अगेन वही सेम वही क्वेश्चन है जी, ज़्यादा नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एस प्लस पी इज इक्वल टू 0 दे रखा, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, सम ऑफ रूट है जी -4 एक्स इंटू -1/4 हो गया, प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/4 है जी 0। तो अब ये बन गया जी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस ऑफ एक्स बाई 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, 4 को एलसीएम ले लीजिए, ये बन गया 4x स्क्वायर
तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, इक्वल टू 0, ये चीज़ उधर जाके 0 हो जाएगी, तो ये क्या बन गया जी आपके पास, सॉरी यहाँ पे x आएगा, तो 4x² + x + 1 इक्वल टू 0, तो जो आंसर आपका आ गया जी 4x² + x + 1 इक्वल टू 0। लो ये इतना सिंपल था, ये हमारे पास आंसर आ गया 4x² + x + 1, ये इसका आंसर आ गया जी। ठीक है जी, बड़ा ही सिंपल था ये आंसर आ गया। लास्ट पार्ट कर देते हैं जी, 6th पार्ट, और भी आसान है, 4 और 1 दे रखा है जी। अब तो आप भी कर सकते हो, अब तो आप ही मुझे बताओगे मतलब इसका क्या ही सॉल्व करना है, ये तो आप मुझे क्विकली क्विकली बताओगे। बड़ा आसान है जी, x² - x (sum of roots + product of root = 0, ये क्वेश्चन है जी, ये सम ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, वैल्यू भर दो, x² - x (sum of root) क्या है जी 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 1 = 0, ये बन गया जी x² - 4x + 1 = 0, ये आ गया जी हमारा आंसर। लो जी, अब इसके साथ हमने ये जो सारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है सॉल्व कर दिया, ठीक है। और आपके CBSE 2024 के सिलेबस के मुताबिक ये जो है बस यहीं तक है, ये चैप्टर बड़ा छोटा सा है, बड़ा सिंपल सा है। तो इसके साथ हमने सक्सेसफुली सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल को सॉल्व कर दिया है।